लेकिन ना यकीन करने से हकीकत बदल तो नहीं जाती। झूठ सच और सच झूठ नहीं हो सकता। सच हमेशा सच ही रहता है और जो लोग सच को वक्त पर नहीं पहचानते वो बहुत नुकसान उठाते हैं। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इन बातों को। देखो बेटा, मैं आपकी माँ हूँ और माँ की हर बात औलाद के लिए हुक्म का दर्जा रखती है, समझे? ठीक है, पर मैं अभी जाता हूँ, मदिया से पूछता हूँ कि असल मामला क्या है। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, उसने कौन सा आपको सच बता देना है कि वो ना आपसे शादी करना चाहती थी ना आपके बच्चे की माँ बनना चाहती थी, वो मोहब्बत करती थी आसिम से, बताएगी आपको? मम्मी प्लीज, बस बस करें, खुदा का वास्ता है। खैर, आप छोड़े इन बातों को, अभी इसी वक्त उसको उसकी माँ के घर छोड़कर आए। हम एक लम्हा अपने घर में इस झूठी मकार औरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे।